महाभारत में आता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। और दुनिया के लोगों, यदि मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं होता, जिन लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं कि चाहे जितने बुरे कर्म कर लो, आ जाओ एक बार हमारे पास में, जन्म जन्मांतरों से तुम्हारे पापों से मुक्ति दिला देंगे, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी उन लोगों को महर्षि वाल्मीकि की रामायण को उठा करके पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए वो घटना, उस घटना को, कि जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है, श्री राम वन को चले गए हैं, और एक दिन की बात है कि महाराज दशरथ को अपनी एक आप बीती घटना याद आ गई, अपना एक बुरा कर्म स्मरण आ गया। कौन सा बुरा कर्म? कौशल्या से कहते हैं कि कौशल्ये, मैं युवा अवस्था में था, और युवा अवस्था में शब्द भेदी कला को मैं प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, शब्द भेदी कला ऐसी होती थी कि शब्दों को सुनकर के वाण निशाना लगा देते थे, वाण वहीं पर जाकर के लग जाता था। उसका अभ्यास करने के लिए, उसमें प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए मैं सरयू नदी के किनारे पर ये सोच करके चला गया कि अंधकार युक्त वातावरण में कोई जानवर पानी पीने के लिए आएगा, वो पानी पिएगा, और एक ध्वनि मुझको सुनने को मिलेगी, मैं बस उसी ध्वनि को सुन करके अपना वाण उसके ऊपर छोड़ दूंगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, महाराज दशरथ एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के रात्रि में प्रतीक्षा करने लगे कि कोई जानवर आए, मुझे कहीं से कोई ध्वनि सुनने को मिले तो मैं उसके ऊपर अपना वाण छोड़ दूं। पर हालात कुछ ऐसे हुए, संयोग कुछ ऐसा हुआ कि कोई जानवर तो पानी पीने के लिए नहीं आया, हाँ एक पितृ भक्त बालक अपने अंधे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए रात्रि में जल लेने के लिए उस सरयू नदी के किनारे पर पहुंच गया। जैसे ही उसने घड़ा उस नदी में डुबोया है, उस शांत वातावरण में एक ध्वनि हुई, और उसी ध्वनि को सुनकर के महाराज दशरथ ने अपना नकुला पहना वाण उसके ऊपर छोड़ दिया, और वो वाण सीधा जाकर के उसके हृदय में, उसकी छाती में घुस गया, और एक वेदना भरी आवाज निकली, हाय हाय मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, हाय मुझे क्यों मार डाला, हाय मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। जब ये बात सुनी महाराज दशरथ ने तो रोंगटे खड़े हो गए, और दौड़े दौड़े उसके पास में गए, उस बालक से क्षमा याचना करने लगे, कहने लगे कि हे बालक मुझे क्षमा कर दो, मैं तो ये सोच रहा था कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आया है, मुझसे अनजाने में ये पाप हो गया है, मुझे क्षमा कर दो बालक। तब उस बालक ने अंतिम समय में निवेदन किया था कि मैं तो तुमको क्षमा कर दूंगा, पर मुझे नहीं लगता मेरे माता पिता तुम्हें क्षमा कर देंगे, और राजन मेरे ऊपर एक उपकार कर दो, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला देना, अगर हो सके एक बार उनको मुझसे लाकर के मिला देना, मेरे दुख में दुखी होंगे दिलासा दिला देना, और पानी पिलाने से पहले अपनी वाणी को मत हिला देना, अपनी वाणी को, अपनी पानी को मत हिला देना। ये कहते कहते धर्म प्रेमी बंधुओं, इतिहास की प्रसिद्ध घटना है, आप उठा करके पढ़ लेना, उसका देहांत हो गया। महाराज दशरथ डरते 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 कांपते कांपते कि ये मुझसे क्या हो गया, कैसे जाकर के कहूंगा, क्या कहूंगा। जब वहां पर पहुंचे हैं तो दो हाथों का स्पर्श हुआ तो प्रथम में ही पहचान लिया गया राजा दशरथ को कि जल लेकर के आज जो है उनका बेटा नहीं आया है, कोई और आया है। माता पिता को अपने बच्चों की बड़ी पहचान होती है। किसी कवि ने पंक्तियां लिख दी थी कि किसी थर्मामीटर में कहाँ इतनी शक्ति होती है, माँ बच्चे की आवाज को सुन करके
उसके बुखार को नाप लेती है, माँ बच्चे की आवाज़ सुन करके उसके बुखार को नाप लेती है। निवेदन करने लगा हूँ, पहचान लिया गया कि जब दो हाथों का स्पर्श हुआ, बोलो कौन हो तुम, बोलते क्यों नहीं हो, हमारा श्रवण हमसे वेद शास्त्रों की बातें करता था, बड़ी अच्छी अच्छी बात करता था, और हम तो भगवान से ये कहा करते थे कि भगवान अगर तुम हमें आँख दे तो वो आँख भी हमारे बेटे को ही दे देना जो हमारी इतनी सेवा करता है, हमारी आँख बन करके जो है हमें ध्यान रखता है। महाराज दशरथ नहीं बोले तो तब महाराज दशरथ ने वो आप बीती घटना कह डाली कि जिस श्रवण की आप बात कर रहे हो, जिस श्रवण को आप याद कर रहे हो, आज वो श्रवण इस संसार के अंदर नहीं है, उसका प्राणांत हो गया है। वो सारी घटना कह डाली कि अनजाने में तीर छूट गया था, मैंने जानवर समझ करके वान छोड़ दिया था। जब ये बात सुनी तो घड़ा हाथ से छूट गया उनके हाथ से, और एक बात कही कि राजन राजन तुमने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि मनुष्य तो वो होते हैं मत्वा कर्माणि सिव्यति सा मनुष्य, जो कर्म करने से पहले उसके लाभ हानि पर विचार कर लेते हैं, जो मननशील होते हैं वो मनुष्य होते हैं, तुमने कर्म करने से पहले सोचा नहीं था, और एक बात कह दी थी कि मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले न सुख पाएगा दुख, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले न सुख पाएगा दुख, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को। कर्म करने से पहले न सोचा विचारा, वो ना समझ दुख का कारण है हमारा, कर्म करने से पहले न सोचा विचारा, वो ना समझ दुख का कारण है हमारा, मनुष्य तो कहाते मनुष्य तो कहाते मनन करने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के। अंधों की लाठी अंधों की लाठी था श्रवण हमारा, बुढ़ापे में कौन अब देगा सहारा, चला छोड़ हमको चला छोड़ हमको किसके सहारे, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले न सुख पाएगा दुख, न सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, मेरे पुत्र के
प्राण को लेने वाले मेरे, हम हैं दुखी पुत्र के दुख में जैसे तू होगा, दुखी पुत्र के दुख में वैसे हम हैं दुखी पुत्र के दुख में जैसे तू होगा, दुखी पुत्र के दुख में वैसे। कितने नरेश गीत, कितने नरेश गीत भक्ति के गाने मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले। ना सुख पाएगा दुख, ना सुख पाएगा दुख हमें देने वाले मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले। ये कहा कि मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले, ना सुख पाएगा दुख हमें देने वाले, और बहुत सुंदर बात कही कि हम हैं दुखी पुत्र के दुख में जैसे तू होगा, दुखी पुत्र के दुख में वैसे। कितने नरेश गीत भक्ति के गाले मेरे पुत्र के प्राणों को लेने वाले। जब ये घटना सुनाई है ना कौसल्या को, तो कौसल्या से कहा, कौसल्ये अब मेरी स्मृति बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही, अब मुझे दिखना बंद हो गया है, मेरे कर्म का फल मेरे आड़े आ गया, मेरे आगे आ गया।